हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MGSU वीडियोस वंस अगेन। मैं प्रेरणा के हेलो और हम कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। आज हम थर्मोडायनेमिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। थर्मोडायनेमिक में दो प्रॉपर्टीज होती है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव होती है डिपेंडेंट ऑफ मास एंड इंटेंसिव इनडिपेंडेंट ऑफ मास। इनको याद करने की भी एक ट्रिक होती है, जैसे इसके आगे भी इन आता है और इसके इनडिपेंडेंट के आगे भी इन आता है, यानी कि इंटेंसिव इनडिपेंडेंट ऑफ मास और पीछे एक्सटेंसिव तो डिपेंडेंट होगी। एग्जाम्पल, एक ग्लास में हम गर्म पानी लेते हैं। अब उसमें से थोड़ा पानी हम दूसरी ग्लास में डाल देते हैं, यानी कि यहाँ तक इसको भर लिया। इस ग्लास का पानी थोड़ा इसमें डाल दिया, इसको गर्म किया हुआ है, इसका पानी इसमें डालेंगे तो इसके टेम्परेचर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी भी ये जितना टेम्परेचर का ये पानी गर्म है, उतने ही टेम्परेचर पर यह पानी गर्म है, यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया, इनडिपेंडेंट ऑफ मास। एंड नेक्स्ट, इसमें प्रेशर, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ही प्रेशर लगेगा जितना इस पानी में लग रहा है और जितना इसका पानी थोड़ा इस ग्लास में डालने के ऊपर लग रहा है, यानी कि प्रेशर भी क्या हो गया, इनडिपेंडेंट ऑफ मास। एक्सटेंसिव, अगर इसका पानी हम इसमें डाल रहे हैं तो इन दोनों का मास चेंज हो जाएगा। इसका मास अलग है, इसमें इतना पानी है तो इसका मास अलग होगा अपना, और इसका पानी हमने थोड़ा सा इसमें डाला है तो इसका मास अलग होगा, यानी कि वो इसके मास पर डिपेंड करती है। तो इसका मास, द्रव्यमान, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। ऐसे इसमें और देखें तो मास, वॉल्यूम गिव्स फ्री एनर्जी, ये सारी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये एग्जांपल देखें, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सब होते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमेशा मिलकर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बनाती है। दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मिलकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इंटेंसिव में, और हमेशा एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इंटेंसिव होती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो है स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी हमेशा एक्सटेंसिव रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम ये बताते हैं कि सिस्टम है वो कैसे कैसे अपने स्टेट को चेंज करता है। ये सिक्स टाइप की होती है। फर्स्ट है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मतलब सिस्टम के हम कितना भी चेंज कर लें, उसमें वॉल्यूम प्रेशर सब चेंज हो जाएगा, लेकिन उसमें टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइसोबैरिक प्रोसेस में हमेशा प्रेशर
बेरिक का मतलब हमेशा प्रेशर होता है, यानी कि इसके नाम से हम बता सकते हैं इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम, हीट कुछ भी सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रेशर हमेशा चेंज नहीं होगा। यानी कि टेम्परेचर का आइसोथर्मल में टेम्परेचर जीरो, प्रेशर आइसोबेरिक में जीरो। नेक्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट प्रोसेस लेते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक इसमें हीट कांस्टेंट रहती है, हीट कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस में सराउंडिंग के साथ सिस्टम किसी भी प्रकार का हीट का ट्रांसफर नहीं करता है, तो इसमें हीट कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई भी रिएक्टेंट है उससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट से हम अपना वापस रिएक्टेंट प्राप्त कर सकते हैं, तो ये होती है अपनी रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि इनिशियल से लास्ट में आना, लास्ट स्टेट से वापस इनिशियल स्टेट में आना। नेक्स्ट आता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस इस प्रोसेस से में केवल रिएक्टेंट से केवल सीधा उत्पाद ही बनता है। जैसे एग्जांपल, पेड़ से पत्ती का गिरना है तो वापस हम पत्ती को पेड़ पे नहीं लगा सकते, और दूध से दही का बनना तो वापस हम दही से दूध को नहीं बना सकते, तो ये अपना होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं स्टेट एंड पाथ फंक्शन। स्टेट एंड पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वे स्टेट वेरिएबल जिनकी वैल्यू सिस्टम की इनिशियल एंड लास्ट स्टेट पर डिपेंड हो, उसके पाथ पर नहीं, उनको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। इसके एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम गिव्स फ्री एनर्जी। इसमें हमें स्टेट वेरिएबल की वैल्यू केवल इसकी इनिशियल और लास्ट स्टेज पर डिपेंड करती है, उस पे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो जिस पाथ पे वो हुई है, जिस पाथ से वो इनिशियल स्टेज से लास्ट स्टेज पर पहुंची है, उस पर इसकी वैल्यू कोई डिपेंड नहीं करेगी। ये होता है स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट आता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में स्टेट वेरिएबल की वैल्यू सिस्टम के पाथ पर डिपेंड करती है, जिस पाथ से वह इनिशियल स्टेट से लास्ट स्टेट में आया है। बल्कि उसको इनिशियल स्टेट और लास्ट स्टेट से कोई मतलब नहीं है, पर वो किस पाथ से इनिशियल से लास्ट स्टेट से पहुंचा है, उस पर उसकी वैल्यू डिपेंड होती है। जैसे
इसका एग्जांपल हीट और वर्क। पाथ फंक्शन हमेशा हीट और वर्क ये दो ही होंगे, ठीक है। हीट को हमेशा डी क्यू से डिनोट करते हैं, डी क्यू से, और इसको डी डब्ल्यू से। अगर सिस्टम के द्वारा अगर कोई कार्य होता है तो वो उसकी वैल्यू हमेशा इन दोनों में नेगेटिव आएगी, और अगर सिस्टम के ऊपर अगर कोई कार्य कर रहा है, सिस्टम पर कोई कार्य होता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ओके okay?